तो क्या मनी इन द बैंक 2022 के अंदर भी WWE स्कैम करेगी और आखिरी टाइम पे लेसनर को पुल आउट करने वाली है? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम सभी जानते हैं जो WWE का आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वो हेल इन अ सेल 2022 होगा। सॉरी बहुत तेज चिल्ला दिया, लेकिन इसके बाद WWE का आएगा मनी इन द बैंक 2022 का शो, जिसके लिए करंटली हमारे लेसनर एडवर्टाइज है। लेकिन लगे ऐसे स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग की WWE यहाँ पे भी स्कैम करने वाली, क्या कुछ पूरी अपडेट आई है सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भैया रिसेंट टाइम में केविन ओवेंस ने जबरदस्त वे में ट्रोल कर दिए एज के नए मेंबर की पूरी टीम को लेकर, तो उसके बारे में फॉर श्योर बात करेंगे। साथ ही में रिसेंट टाइम में एक वाहियात इंसान ने अलेक्सा ब्लिस और उनके हस्बैंड को शूट यानी कि गोली मारने की एक तरह की धमकी वगैरह दे डाली है, नो वाहियात बनती है ये, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो, यू नो पता है यार तुम लोगों को मेरे एकदम नेबरहुड यू नो लुनेटिक क्रेजी सब ऐसे चलता रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन फॉर्मर वुमेन टैग टीम चैंपियन द बॉस साशा बैंक्स के बारे में। और भाई रिसेंट टाइम में साशा बैंक्स को लेकर भी कुछ बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने, और लग ऐसा है कि जो साशा बैंक्स है आपदा को अवसर में बनाने का ट्राई कर रही है। मैं ऐसे इसे लेकर आ रहा हूं, देखो WWE ने उन्हें इंडेफिनेट वे में सस्पेंड तो कर दी है, लेकिन रिसेंट टाइम में स्नूप डॉग के साथ में कुछ काम करती हुई नजर आ रही है, और काफी जल्दी शायद साशा बैंक्स की जो NFTs है वो आपको आती हुई नजर आएंगी। अगर सभी को याद होगा जब जॉन सीना वापस आए थे, जॉन सीना की NFTs आई थी मनी इन द बैंक के अराउंड, तो वैसी कुछ जो NFT वो साशा बैंक्स को लेकर भी इन फ्यूचर आ सकती है। होता है रिसेंट टाइम एक तरह का सेशन टाइप होता है, यहाँ पर लोगन पॉल होते हैं, स्नूप डॉग होते हैं, और यहाँ लोगन पॉल बात करते किस तरीके से लगातार ट्विटर के ऊपर साशा बैंक्स ट्रेंड हो रही है, और सीरियसली साशा बैंक्स काफी कूल है। या फिर स्नूप डॉग बात करते हैं उनके पूरे ब्लड लाइन के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फिर यहाँ पर स्नूप डॉग एक तरह की बातें टीज करते हैं कि मे बी भी फिलहाल वो और साशा बैंक्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और पॉसिबली NFT जो है साशा बैंक्स की वो काफी जल्दी मार्केट में आती हुई नजर आएंगी। अब NFT आप एक तरह का ये कह सकते हो एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिजिटल करेंसी टाइप का होता है, आप उसे परचेज कर लोगे एनुअल टाइम, उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, आई गेस ऐसे ही होता है जहां तक मुझे पता है। मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया या फिर देखा नहीं इसके बारे में, लेकिन अब ये कुछ अभी फिलहाल सीन चल रहा है हमारी साशा बैंक्स का स्नूप डॉग के साथ में। WWE ने यहाँ पर उन्हें सस्पेंड किया, उन्हें लगा भैया आपदा आ गई, लेकिन आपदा को बना लिया अफसर के अंदर जब स्नूप डॉग के साथ में वो हमें NFTs के ऊपर वर्क करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? यहाँ तो WWE का स्कैम बन गया। वैसे बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार प्राइस फाइटर द गोट केविन ओवेंस के बारे में जुड़ी है। अब मैंने वीडियो की या फिर इस वाली न्यूज की स्टार्टिंग में गोट वर्ड इसलिए ऐड किया क्योंकि भाई केविन ओवेंस काम ही कुछ इस तरीके से करते हैं। आई मीन केविन ओवेंस दुनिया से एकदम अलग चलते हैं। देखो रिसेंट टाइम हमने देखा जो एज है वो लगातार अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू काफी सारी टीज करते, कभी पेज कभी एज स्टाइल कभी फिन बैलर कभी लिव मॉर्गन, कि ये लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं एज को। लेकिन रिसेंट टाइम में केविन ओवेंस ट्रोल करते हुए नजर आते हैं एज को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। अब होता है वो सारी एक ही करके जो फोटोज एक तरह का उस पर रिप्लाई देते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे, और यहाँ पर अलग अलग टाइप की बिल्लियों की फोटो पोस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एज स्टाइल पे एक अलग बिल्ली जो की कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है, और पेज के बारे में कोई अलग बिल्ली, यहाँ पर हमारे जो क्या नाम है उनका कोरी ग्रेव्स उनके बारे में एक अलग बिल्ली आ रही है, फिन बैलर को लेकर काली बिल्ली आ रही है, लिव मॉर्गन को लेकर भी हल्की सी काली बिल्ली आ रही है। तो भाई ये सीन कुछ केविन ओवेंस ने कि जब रिसेंट टाइम में उन्होंने एज के लगातार जो टीज है एक तरह का उसे ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया तुम टीज करते रहो तुम्हारा अगला मेंबर कौन सा होगा, तब तक मैं बिल्लियों के यहाँ पर जो टाइप्स है लोगों को बता दूं ट्विटर के ऊपर। वैसे एज ने रिसेंट टाइम में काफी सारी टीज कर दी थी, लग ऐसा रहा था पूरा जो रोस्टर है वो उनके जजमेंट डे के घुटनों पे कंधों कह रहा था मैं घुटनों पे आके गिर जाएगा। लेकिन कुछ इस वे में केविन ओवेंस ने किया एज को ट्रोल, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आई मीन भाई केविन ओवेंस इज ट्रूली अ ग्रेट एंटरटेनर। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार अलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। और भाई रिसेंट टाइम में अलेक्सा ब्लिस के साथ में एक बार फिर से वो पुराने वाले इनके साथ काम होते हैं वहाँ है। देखो हिस्ट्री में आगे या फिर रिसेंट टाइम में कुछ सालों में जो प्रो रेसलिंग फैन है काफी टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है। मैं यार तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रो रेसलिंग फैंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्पेशली अंग्रेजों की, ये सब फोर्स ही बात है। अब होता है कि रिसेंट टाइम में एक जो बंदा वो अलेक्सा ब्लिस को एक तरह का इंस्टाग्राम के ऊपर जान मुझे मेंशन करता हुआ नजर आती है कि अलेक्सा ब्लिस तुमने देखा मैंने क्या कहा। अब अलेक्सा ब्लिस इसको लेकर एक स्पेशली रिप्लाई देती हुई नजर आती है, और अलेक्सा ब्लिस को यहाँ पर ये बातें पता लगी, ये जो इंसान जिसका नाम JPEG5402 है, ये जो बंदा है वो लगातार काफी लोगों को ये बातें बता रहा है, उनको DM करके ये बात कह रहा है कि वो काफी जल्दी अलेक्सा ब्लिस और उनके हस्बैंड यानी कि रायन को शूट करने वाला अपने हाथों से, और ये जो स्क्रीन शॉट है वो अलेक्सा ब्लिस को मिले। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस की कहनी, और ओपन वे में पब्लिकली वे में जो अलेक्सा ब्लिस है इस वाली पूरी
सिचुएशन को एड्रेस करती हुई नजर आती है। इससे पहले एलेक्सा ब्लिस को ना काफी सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा था और डब्ल्यू डब्ल्यू से ब्रेक भी ले चुकी थी। आई मीन मुझे नहीं पता भाई लॉन्डो को या फिर जो भी इंसान है उसको क्या चुल मची रहती है भाई। औकात देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू सुपरस्टार के सामने क्या होगी तुम्हारी, स्पेशली एलेक्सा ब्लिस जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर है, उनके पास इतनी सिक्योरिटी मनी पैसा भाई मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देंगे, लेकिन फिर भी लोगों को पंगे लेने में मजा आता है। पता नहीं भाई क्या वाहियतपंती से इन लोगों को मजे मिलते हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है इस साल के मनी इन द बैंक 2022 के शो के बारे में। इस साल का जो मनी इन द बैंक 2022 का शो होने वाला है अगर देखा जाए काफी कमाल का काफी लाजवाब शो होगा, और इस साल स्टिपुलेशन भी थोड़ी डिफरेंट यूनिक होने वाली है। हो सकता है भैया सीधा बंदे को रेसलमेनिया की टिकट मिल जाए, हो सकता है मनी इन द बैंक के झोल में उलझता रह जाए। लेकिन रिसेंट टाइम एक अपडेट है, येलो स्पेकुलेशन आती है सामने हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। वैसे WWE एडवर्टाइज कर रही थी लेसनर को रेसलमेनिया बैकलैश के लिए भी, लेकिन लेसनर वहां पर आते हुए नहीं नजर आते हैं। अब बात आती है मनी इन द बैंक के बारे में, क्या मनी इन द बैंक के अंदर इस बात की कंफर्मेशन है कि लेसनर वहां पर आएंगे या फिर नहीं? तो रिसेंट टाइम में इसको लेकर कुछ स्पेकुलेशन आ चुकी है सामने और बताया जा रहा है कि करंटली जो WWE वाले हैं वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं एक तरह का ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे किस तरीके से लेसनर की रिटर्न होगी। ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा हूं स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग कि लेसनर करंटली क्रिएटिव प्लान्स के अंदर वापसी नहीं हुई है उनकी, WWE ने करंटली डिसाइड नहीं की है उन्हें किस तरीके से बुक करना, उनकी कब एक्चुअल में रिटर्न होने वाले, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी बड़ा पॉइंट है, जो कि कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा भी करता है कि शायद जो WWE वाले एक बार फिर से हम सभी का स्कैम कर सकते हैं मनी इन द बैंक 2022 में। हो सकता है भैया टिकट सेलिंग के लिए भी सारा बहाना चल रहा हो, नाटक चल रहा हो, जब आएगा एकदम मनी इन द बैंक में पापस कह रहा हूं मैं सॉरी, जब मनी इन द बैंक एकदम क्लोज आ जाएगा फिर जो WWE वाले कह देंगे अरे हमसे तो गलत एडवर्टीजमेंट होगी लेसनर शो पर नहीं आने वाले। हो सकता है भाई ये स्कैम भी हो जाए, वरना ऐसी भी बातें आ रही है सामने की जो WWE वाले शायद वो ज्यादा सीक्रेट वे में जो लेसनर की रिटर्न हो शेड्यूल कर रहे हो प्लान कर रहे हो, ये वो रीजन है WWE वालों ने कुछ भी रिवील नहीं किया कब उनकी वापसी होगी। लेकिन हाँ भाई इस स्कैम के लिए भी तुम लोग रेडी रहना, ऐसा भी हो सकता है कि जो WWE वो आखिरी टाइम में लेसनर को पुल आउट करती हुई नजर आएगी। लेकिन आज समर स्लैम फॉर श्योर जगह होगी जहां पर लेसनर की रिटर्न होगी। मुझे ऐसा लगता है जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है थोड़ा ज्यादा चांस लेसनर का मनी इन द बैंक में आने का इसलिए क्योंकि आएगा इस साल ये एक स्टेडियम शो होने वाला एलिजेंट स्टेडियम में होगा ना जहां लास्ट ईयर समर स्लैम होता, हाँ तो वही वो तो अपना यू नो समर स्लैम वाला जो है पूरा स्टेडियम शो ही था। दैट्स व्हाई जो हमारे ट्राइबल चीफ है वो तो होंगे शो के ऊपर, लेकिन लेसनर की रिटर्न के भी यहाँ पर फॉर श्योर तगड़े वाले चांसेस है। लेकिन फिर भी कह सकते हो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, WWE ये स्कैम भी कर सकती है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।